जंजीबार पोर्ट में आ गया, तो अभी यहाँ से मुझे शिप पकड़नी। बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाएगा, बहुत पुराना बैंक है यहाँ पे, 50 साल पुराना। दरअसलम है, सिर्फ दरअसलम क्यों बोलूं, पूरे तंजानिया में ये जो गाड़ियां चलती है, आप लोगों को बताओ, इतना बढ़िया है, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता है। मतलब इंडिया में ये हॉर्न बजाने का ये जो एक कंपटीशन रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारा साउंड पॉल्यूशन होता है। यहाँ पे आप शायद ही किसी को देखेंगे, बहुत अर्जेंट आ गया, बहुत जरूरत पड़ गई, तभी जाके ये लोग हॉर्न बजाते हैं, अदरवाइज ये लोग हॉर्न नहीं बजाते। ये एक सीखने की चीजें हैं, लोग थोड़ा इजी गोइंग है, बट ये अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हड़बड़ी करनी चाहिए, और ये चीज सीखने के लायक है। सो दोस्तों, अभी मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, व्हाट्स योर नेम माय फ्रेंड? मशाका। So Mashaka has come over here to pick me up. Mashaka, how long you have been driving? Long time, maybe 10 years. 10 years, yes. Wow. And how was your life during Corona? Corona is very dangerous. Very dangerous, huh? Yes. How many people affected in due to Corona here? The government not to give you artificial maybe your corona, mm-hmm. or you are affected with corona, mm-hmm. you are separate. Mm-hmm. You say to take your sanitizer, mm-hmm. They don't give? Barakoa. Yeah, barakoa. Mask ko ye log barakoa kehte hain. Mask. Mask ko ye log barakoa kehte hain. मुझे भी एक नई स्वाहिली वर्ड सीखने को मिल गई। मिमी स्वाहिली किडोगो किडोगो। आप लोगों को एक चीज बताओ दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, लोग बाग कहते हैं यहाँ पे थोड़ा पुअर एडुकेशन है। मैं आपको बताऊँ, इवन ड्राइवर्स बोलो, नाइजीरिया में तो मैंने देखा जो भिखारी है, जो बेगर्स है, वो भी अंग्रेजी में बात करते हैं। यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन का आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। मतलब टूटी फूटी अंग्रेजी भी हो तो ये लोग बोल देंगे, तो ये एक खासियत है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया भी मिल जाएगा, और इसी ब्रांच में मेरा अकाउंट हुआ करता था जब मैं तंजानिया में रहता था 2013 से 2017। ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले महीने ये कंट्री छोड़ा हूँ, इतना बढ़िया जगह है, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ। बांद्रा बोलो या कोलकाता का डलहौसी बोलो, पार्क स्ट्रीट बोलो, या दिल्ली का कनॉट प्लेस बोलो, ये वही जगह है। यहाँ पे ऑफिस बहुत ज़्यादा है, इसी एरिया में कॉर्पोरेट ऑफिस ज़्यादा होता है। यहाँ पे एमिरेट्स का बहुत बड़ा ऑफिस है, और ये जो जगह है, यहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा। और ये जो इंडियंस है, ये पुरखों से रह रहे हैं, मतलब 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन, और जो एक्सपर्ट्स इंडियंस है, जो इंडिया से आके यहाँ नौकरी करते हैं, वो लोग भी यही रहते हैं। ये
इंडियन कंपनी टीवीएस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा है उन लोगों को ये लोग बजाजी कहते हैं, तो बजाजी कुछ नहीं है, बजाज कंपनी से इन लोगों ने बजाजी बना दी। तो जितने भी थ्री व्हीलर हैं सब बजाजी है, भले ही वो बजाज के हो या टीवीएस के हो। बड़ा मजेदार वाली बात है ना, ये करिया को मार्केट कहते हैं। आप एक चीज गौर करो, संडे का दिन है, भले ही ये हॉकर है बट इनको भी छुट्टी चाहिए, इनको भी फैमिली लेके एक दिन कम से कम समय बिताना है। ये सब चीज सीखने के लायक है कि काम काम के जगह पे है और आपका जो फैमिली टाइम है वो भी आपको देना पड़ेगा। ये जो दूरी पे आपको दिखाई दे रहा है ये BST बस स्टेशन है। टंजानिया गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ये एक बनाया, बट मुझे एक चीज अजीब सा लगता है, ये एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है बस सर्विस के लिए। मुझे अजीब सा लगता है टंजानिया में सारे जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, बट वो जो बसें चलती है वो सब राइट हैंड ड्राइव है। मुझे नहीं पता मतलब ऐसा क्या ये है, हो सकता है चाइनीज में तो सब कुछ ही लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो वहीं से सीधा उठा के यहीं पे एक्सपोर्ट कर दिया होगा। तो मैं जब 2017 में टंजानिया छोड़ा था उस समय ये कनाडा बैंक 2017 में यहाँ पे आए थे। तो आपको एक चीज बताओ, मतलब इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जो दो काफी पुराने बैंक है, आपको जंजिबर में या टंजानिया में ये दोनों बैंक मिल जाएगा। कनाडा बैंक 2017 में यहाँ पे आया, मतलब इंडिया के तीन बैंक आपको टंजानिया में मिल जाएंगे, बट कनाडा बैंक जो है मैं युगांडा में ना तो केनिया में देखा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को नैरोबी में 56 भोग डायमंड प्लाजा में, यहाँ पे भी 56 भोग है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है, क्या नहीं मिलेगा। सब मिल जाएगा, दही गुपचुप, पापड़ी चाट, पकौड़ा, दाल बड़ा, सब मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मैंने अपने पसंदीदा वाली जलेबी ले ली, तो जलेबी लेने के बाद अभी इधर उधर थोड़ा सा भटकेंगे, देखते हैं, आपको सैर कराते हैं, आइए। ये इंडियन सब्जी मार्केट है। इंडिया में जिस टाइप का सब्जी मिलता है यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा दोस्त अभी भी है यहाँ पे उसी जगह पे, इनसे हाथ मिला लेता हूँ। काका वीपी पापा हवारिया को साफी सन है काका मिमी युगांडा हाँ सब थे। सो आई केम बैक फॉर द हॉलीडे। सो ये मेरा दोस्त है, तो जब भी मैं सब्जी लेने के लिए आता था तो मैं यहीं से लेता था। तो यू कैन सी सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। और आपको एक चीज बताओ, यहाँ पे जो मटर है ना ऐसे ऐसे छिल के बेची जाती है, तो ये खासियत है काका। तो फ्रूट्स आपको अच्छा मिल जाएगा, तरह तरह के फ्रूट्स है टंजानिया में। जब भी आप आओ यहाँ का वाटरमेलन आप जरूर टेस्ट करना, वाटरमेलन यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी के है। जैसे कि मैंने पहले बताया था युगांडा में जो पाइनएप्पल है वो बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे वाटरमेलन जो है बहुत टेस्टी होता है। मौसमी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, लोग बस तो ऐसे ही काट के खा लेते हैं मौसमी। इस चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। चिंगापी कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों इन चीज को क्या कहते हैं। ये बिल्कुल इंडियंस के लिए बना हुआ है, जैसे इंडिया में आपको फुटपाथ में सब्जी बिकते हुए दिखेगा तो यहाँ पे भी दिखता है। एक इंडियन सुपरमार्केट में घुस गया। युगांडा से जब मैं टंजानिया आ रहा था, मेरा जो हेयर जेल है वो इमिग्रेशन वाले ने सीज कर लिया था। ले लेते हैं, यहाँ के आपको इंडिया का सारा सामान मिल जाएगा, मैगी बोलो, सॉस बोलो, सब कुछ। ये टाइड,
ओमो जो है ये इंडिया का नहीं है, बट ये एरियल जो है साउथ अफ्रीका से आता है, ये रॉबिन पता नहीं कहाँ का होगा, बट यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी इंडियन चीज आपको मिल जाती है। आपको मिल गया दरअसल में दोस्तों, आपको हिंदू मंदिर मिल जाएंगे, और हिंदू मंदिर जो है ये कोई नई मंदिर है नहीं, ये जो मंदिर है बहुत पुराना है, आप शायद देख सकते हो यहाँ पे श्री शंकराश्रम लिखा हुआ है, बहुत पुराना है। तो आज से मान लो 80 साल 100 साल पहले जितने भी इंडियंस आए हैं और यहाँ पे काम करते करते जब इन्होंने डिसाइड किया कि तंजानिया या इनका घर है, कोई दूसरा घर नहीं, खुद का घर है, तो यही लोग यहाँ बस गए हैं और फिर धीरे 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 अपना जो इंडियन कल्चर है यहाँ पे भी डिसिमिनेट किए और ऐसे मंदिर बन गया। अब तो ये मंदिर जो है ये मतलब यहाँ पे हिंदू मंडल है, जिस हिंदू मंडल के अंडर में है, आप देख सकते हो कितना बड़ा और बढ़िया मंदिर बनाया है। ये एरिया बिल्कुल इंडियन एरिया है। तो दोस्तों अभी एक बज गया, भूख लग गई यार, पेट में चूहा दौड़ रहे हैं, तो यहाँ आए मेरा पसंदीदा जो खाना है वो तो खाना खाएंगे, मेरा जो पसंदीदा रेस्टोरेंट है वहाँ अभी जा रहे हैं, आपको बताएंगे क्या मैं यहाँ पे जब रहता था क्या मतलब कौन सा आइटम मैं पसंद करता था, वो आपको तो पता ही है, शाकाहारी आदमी हूँ, घास फूस खाने वाला। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे अभी जा रहा हूँ। ये मेरा सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट है, एकदम वेजिटेरियन प्योर वेज है, बहुत सारे हैं इंडियन, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे आपको, पर इसके साथ साथ जो लोकल टंजानियंस है वो भी आते हैं खाना खाने। यहाँ आया हूँ और दो लेडी ने मुझे ठीक पहचान ली, एंड शी इज वन ऑफ देम, यू रिकॉग्नाइज मी राइट। अब ये शर्मा रही है, कैमरा से हट गया। तो दोस्तों खाना आ गया, मेरे पसंदीदा का मलाई कोफ्ता, तो इनको आप सिर्फ मलाई कोफ्ता बोलो तो ये साथ में आपको ये तंदूरी या नान या और राइस दोनों साथ में दे देंगे। तो छाछ भी आ रहा है, गर्मी तो है यहाँ पे, खाना खा लेता हूँ, भूख लगी जबरदस्त, भूख लग गया है, सवेरे उठा हूँ 4:30 बजे उठा हूँ, मतलब हाँ टायर्ड हो गया हूँ, 4 बजे उठा, अभी 1 बजा हुआ है, अभी दरअसल आया हूँ, तो अभी खाना खाएंगे, खाना खा के फिर होटल में चले, खाना खा लेते फिर आपसे बात करते। संडे का दिन है, बिल्कुल खाली है, सुनसान है, और ये जो जगह है ये एक्सपैट डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं 95% एक्सपैट्स होते हैं, या तो फिर सरकारी मंत्री होंगे या आमला होगा, ये आपको ये नजर आएगा, एकदम समुंदर इंडियन ओशन के सटा हुआ डर ए सलाम। शाम के वक्त मैं आपको यहाँ पे ले आऊंगा और आप देखेंगे यहाँ पे भीड़, मजा आ जाएगा। ये जो बीच है इसको कोको बीच कहते हैं, तो शाम को मैं ले आऊंगा तो आपको पता लगेगा कैसे भीड़ लगी रहती है।